KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए, योर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग मास्को, जो कि रूस की राजधानी है, आज हम लोग मास्को राजधानी और मास्को पतन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। सबसे पहले ये मास्को के प्रमुख पिक्चर हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये प्रमुख पिक्चर हैं मास्को के, इसको भी हम लोग ध्यान से देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद ये देखिए बिल्डिंग्स हैं मास्को की, ये सब। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे मास्को स्थित रेड स्क्वायर का एक दृश्य है ये, ठीक। इस तरह से इसको देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है। फिर आगे हम देखेंगे रूस की राजधानी एवं यूरोप का सबसे बड़ा शहर है मास्को का शहरी क्षेत्र। दुनिया के सबसे बड़े शहरी क्षेत्र में गिना जाता है और मास्को रूस की राजधानी है। और मास्को रूस की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक, वित्तीय एवं शैक्षणिक गतिविधियों का केंद्र माना जाता है। यह मस्कोवा नदी के तट पर बसा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से यह पुराने सोवियत संघ एवं प्राचीन रूसी साम्राज्य की राजधानी भी रही है, ठीक। इस प्रकार से मास्को दुनिया के अरबपतियों का शहर भी कहा जाता है, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति बसते हैं। 2007 में मास्को को लगातार दूसरी बार दुनिया का सबसे महंगा शहर भी घोषित किया गया था, ठीक। इसकी इकोनॉमी को भी हम लोग देख लेते हैं। उसके पहले हम इसका थोड़ा इतिहास भी देख लेते हैं। मास्को शहर का नाम मस्कोवा नदी पर रखा गया है। आक्रमण के बाद मंगोलों ने सारा शहर जला दिया और लोगों को मार दिया। मास्को ने दोबारा विकास किया, ठीक। और इसकी इकोनॉमी में हम देखेंगे कि मास्को पूरे यूरोप की सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यह रूस के सकल घरेलू उत्पाद का करीब 24% योगदान करता है। 2008 में मास्को की इकोनॉमी 8.44 ट्रिलियन रूबल थी, ठीक। मास्को में औसत मासिक वेतन 41,600 रूबल है। 2010 में मास्को में बेरोजगारी की दर सिर्फ 1% थी, जो रूस के सभी प्रशासनिक क्षेत्रों में सबसे कम है। मास्को रूस का निर्विवाद स्वरूप से मुख्य आर्थिक केंद्र है। यहाँ रूस के सबसे बड़े बैंक और कंपनियाँ स्थित हैं, जिनमें रूस की सबसे बड़ी कंपनी गेजप्रोम भी शामिल है। मास्को की रूस की खुदरा बिक्री में 17% और सभी निर्माण गतिविधियों में 13% हिस्सेदारी है। इस प्रकार से मास्को में 1696 उच्चतर विश्वविद्यालय और 91 महाविद्यालय, इनके अलावा 222 अन्य संस्थान हैं उच्च शिक्षा के, ठीक। इस प्रकार से हम इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की। अब थोड़ा हम लोग टेक्स्ट बुक के माध्यम से भी देख लेते हैं।
ये मास्को पत्तन है, मास्को पत्तन से यह गोरकी की तरफ रास्ता जाता है, कोवो से रास्ता जाता है इधर सैराटोप से, ठीक ये मास्को वारसा से रास्ता जा रहा है एलिनग्राड से, चारों तरफ से रास्ता है मास्को से। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मास्को यह रूस की राजधानी के साथ एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र भी है। यह देश की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र तथा विश्व के विशाल नगरों में से एक है। यह मास्को नदी के उत्तरी तट पर स्थित है, जो 148 मीटर लंबी नहर द्वारा वोल्गा नदी से मिलाई गई है। यह ट्रांस साइबेरियन रेलवे का मुख्य जंक्शन तथा अंतर्राष्ट्रीय वायुमार्गों का केंद्र है। मास्को वोल्गा नहर के बन जाने से इसे जल यातायात के रूप में प्रयोग किया जाने लगा, और मेरी नहर द्वारा इसे लेनिनग्राद पत्तन से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से आज हम लोगों ने मास्को पत्तन के बारे में सीखा। आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।